कराची में डाकुओं ने एक और मां के लाल की सांसें रोक दी। कुरंगी में नौजवान को घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। वालदैन का कहना है कि जिशान की चंद माह बाद शादी थी। मजीद तफसीलात सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। भाई के सामने भाई को कत्ल करने की लर्जा खेज वारदात। कोरंगी ढाई नंबर गरीब नवाज स्टॉप के करीब घर की दहलीज पर लूट मार करने वाले डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। बूढ़े माँ बाप का जवान बेटे के सर सेहरा सजाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। उसका जुनेद जो भाई है वो यहाँ खड़ा था टेले के पास, उसको छीना झपटी करने लगे। दे बच्चों ने भी इनके लड़के में सब ने कहा दे दो मोबाइल दे दो, मोबाइल देने लगे, दे दिए। उसके बाद भी जब भागने लगे तो उसको गोली से उड़ा दी। मकतूल जिशान के भाई मंसूर ने वारदात करने वाले एक डाकू को असलहे समेत जकड़ लिया। आवाम ने भी डाकुओं पर तशद्दुद किया। लड़का पैदल भागा, मेरे बच्चे ने सामान छीन लिया था। यहाँ की आवाम ने पकड़ के 25-30 आदमियों ने वो लड़के को लकेट को मारा है। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, पूरी रात परेशान हुआ, हमारा बच्चा नहीं बच सका, कोई तहफ़ नहीं मिल रहा हमें। आए गली के अंदर मेरे बच्चे को मार के चले गए। तो मैं इंसाफ चाहता, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। रवा साल कराची में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 78 तक जा पहुंची है।